In this video, we have to find the output of this program, and this program is just related to random number, and let's see what is the program. तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे बनाया जिसका नाम x है. इसकी साइज मैंने 4 दे दिया, तो इसके अंदर इंटीजर टाइप के 4 एलिमेंट हैं. उसके बाद मैंने रैंडम नंबर में 2 पास कर दिया, तो ये कितने टाइम से लेगा? एक बार 0 टाइम से लेगा और एक बार 1 टाइम्स 2 टाइम से लेगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ इफ वी पास द n एज अ पैरामीटर इन रैंडम फंक्शन देन इट विल एग्जीक्यूट 0 टू n माइनस 1. उसके बाद मैंने इसमें प्लस 2 ऐड किया. ऐड करने के बाद गो वेरिएबल में असाइन कर दिया, एंड देन मैंने लूप चलाया. ये लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? गो वेरिएबल से. लेस देन 4 चल रहा है, एंड देन सिंगल सिंगल इंक्रीमेंट कर रहा है. उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स ऑफ आई की जो भी वैल्यू होगा उसको प्रिंट किया, एंड देन फॉलोड बाई डबल डॉलर. नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. तो सबसे पहले हमारे पास एरे दिया हुआ है जिसका नाम एक्स है, तो मुझे एक एरे बनाना है. इसका नाम x रहेगा और उसके अंदर जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको लिख लेना है. दैट इज़ 100 एंड 75 एंड देन 10 एंड देन 125. दैट इज़ 125. इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3. तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट किया है, तो C एंड C++ में एरे का इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है. वाई? बिकॉज ऑफ इफ़ वी एड 0 देन there is a one less arithmetic perform, so we always start from 0. Now this is the index, that is a user address, and इसके ऊपर मैं base address लिखता हूँ जो कि computer का address होता है. Now अब मुझे क्या लिखना है, ये random number 2 times से लेगा. First is 0 and second is 1. तो यहाँ पे एक बार ये 0 चलेगा and then 1 times से लेगा. इसमें मुझे क्या plus करना है, 2 plus करना है. तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में प्लस कर दिया 2. दैट इज़ ये प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसमें मुझे 2 ऐड करना है. जब मैं इसको ऐड कर दिया 2 को, तो ये गो वेरिएबल में साइन हो जाएगा. और इस क्वेश्चन में मुझे ये भी फाइंड करना है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ गो एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गो. तो यहाँ पे गो की जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मैं इधर लिख रहा हूँ. दैट इज़ मीन इज इक्वल टू 2 प्लस 0, दैट इज 2, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गो इज इक्वल टू 2 प्लस 1, दैट इज 3. तो इस तरीके से हमारा एक आंसर यहीं पे हो गया. दैट इज मिन एंड मैक्स की वैल्यू गो वेरिएबल के लिए. अब मैं लूप में एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू गो, तो गो की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2. तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, एंड 2 इज लेस देन 4 है क्या? यस, कंडीशन इज ट्रू. तो उसके नीचे आएगा लूप कंडीशन, नीचे आने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 2 है. एक्स ऑफ 2, तो एक्स ऑफ 2 पे हमारा क्या वैल्यू पड़ा है, 10. दैट इज़ 10 एंड 2 टाइम्स डॉलर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा बिकॉज डबल इन्वर्टेड कॉमा में है. एंड देन वी हैव टू पुट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3. तो नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3, दैट इज गो वेरिएबल की मुझे मैक्सिमम वैल्यू पुट करना है, दैट इज 3. सो हियर इज 3 एंड 3 इज लेस देन 4. यस, इट इज कंडीशन ट्रू. तो मुझे क्या लिखना है, एक्स ऑफ अगेन 3, एक्स ऑफ 3 पे हमारा कौन सी वैल्यू है, 125. दैट इज 125 एंड देन 2 टाइम्स डॉलर, हेंस द फाइनल आउटपुट. तो यहाँ पे मुझे फाइनल आउटपुट लिखना है. फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, 10 एंड 2 टाइम्स डॉलर एंड देन 125 एंड 2 टाइम्स डॉलर. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम.